उधर राजस्थान के उदयपुर में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नजर आए। वो दोनों उदयपुर के होटल ताज लेक पैलेस में राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी में शामिल होने पहुंचे। वहां दोनों लोगों का स्वागत किया गया। इस दौरान केजरीवाल और भगवंत मान ने परिणीति चोपड़ा के परिवार से मुलाकात की और उनके साथ कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा साथ फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधेंगे। पश्चिम एशिया के देश यमन में फंसे 18 भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत लाया गया। पिछले कई हफ्तों से ये लोग वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की कोशिशों के बाद ये लोग सुरक्षित मुंबई लौट आए। वापस लौटे भारतीय नागरिकों ने बताया कि 21 जून से उनका जहाज यमन में फंसा था। यमन की सरकार ने भारत के जहाज और उस पर सवार नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर दिए थे, लेकिन किसी तरह इन लोगों ने इस घटना की जानकारी वहां पर भारतीय दूतावास को दी। बाद में विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास की मदद से सभी की वतन वापसी हो सकी। हम लोग पूरा 3 महीना फंसा था। 21 जून हम लोगों का सिप उधर एग्राउंड हुआ था। टोटल 18 इंडियन क्रू था, तो हम लोग 3 महीना बाद फिर वापस आ रहे हैं।